हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय सुपर लाइफस्टाइल। तो जिन लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, उसको ऑल करके रखिएगा, जब भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा वो टाइम टू टाइम आप लोग के पास पहुँच जाएगा। और जिन लोग मेरे पुराने दोस्त हैं उन लोग को मैं बताना चाहूँगी, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। बस ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, मैं भी आप लोग के साथ हमेशा बने रहूँगी। तो जो भी हो, मैं अभी पनीर को क्यूब करके काट के अभी गर्म पानी करके उसको पनीर को भिगो के रखूँगी, उससे क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो आज मैं ब्लॉग वीडियो लेके नहीं आई हूँ, बस एक रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है ये रेसिपी, और मेरे घर में सबको पसंद है ये रेसिपी। आप लोग अगर मेरे तरीके से बनाना चाहोगे तो एक बार बना के देखिए, ट्रस्ट मी, इतना अच्छा लगेगा घर पे सबको, मतलब दोबारा क्या बार बार ये रेसिपी आपको बोलेंगे कि बनाने के लिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस प्रोसेस में बनाने, और सबको खिलाने भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और आलू को भी मैं डालूंगी, क्योंकि आलू के बिना मटर पनीर अच्छा नहीं लगता है। कोई कोई डालता है तो कोई कोई नहीं डालता है, तो मैं डालूंगी। तो मटर मैं ली हूँ, हरा मटर, फ्रोज़न मटर ली हूँ मैं। और अभी बस प्याज को पील करके, उसको अच्छे से क्लीन करके, सब सब्जी को अच्छे से पील करके क्लीन कर लूँगी, उसके बाद अच्छे से चॉपिंग करूँगी। तो चॉपिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एक एक चीज़ को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक चीज़ अगर मिस हो जाएगा ना तो आप लोग को थोड़ा सा परेशानी होगा ये रेसिपी बनाने के लिए। तो मैं सब सब्जी को वॉश करके अभी बस चॉप करना है मुझे, और चॉप कर रही हूँ किस तरीके से मैं चॉप कर रही हूँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टमाटर आपके यहाँ कितना किलो चल रहा है थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ 50 रुपीज़ किलो चल रहा है टमाटर, और सुनाई में आया है कि प्याज का भी दाम बढ़ने वाला है। तो पता नहीं, ऐसे करते करते ठंडी आ जाएगा तब जाके खाने को मौका मिलेगा सब सब्जी। थोड़ा सा कैप्सिकम भी डालूँगी, क्योंकि अच्छा लगता है उसमें कैप्सिकम। और आलू को किस तरीके से मैं चॉप करूँगी थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके से मैं पनीर को काटी हूँ उसी तरीके से मैं आलू को भी चॉप की हूँ। एक क्यूब साइज, देखिए बिल्कुल क्यूब साइज का है।
क्योंकि सब्जी बिल्कुल एक जैसा काटना नहीं होगा, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी हो, सब्जी एक ही टाइप का काटने से ना तो देखने में अच्छा लगता है। तो मेरा पूरा सब्जी काटना हो गया है। लहसुन भी छील के रख दी हूँ, थोड़ा सा अदरक को थोड़ा सा छोटा छोटा चॉप करूँगी। ये रहा मेरा मटर, एक कटोरी मैं निकाल लूँगी और बाकी का मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। सबसे पहले कढ़ाई में मैं रिफाइंड ऑयल डालना है। अब कढ़ाई के चारों तरफ ऑयल को फैला लूँगी। उसके बाद नमक और हल्दी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है और ज़्यादा तेज आंच में मत डालिएगा, नहीं तो जल जाएगा मसाला। और अभी बस पनीर को पानी झरा के देखिए कितना सॉफ्ट हुआ था। ऐसे पानी में रखने से ना, गर्म पानी में रखने से, भिगो के रखने से पनीर बहुत सॉफ्टी होता है। तो अभी बस इसको फ्राई करना है, हल्का सा गोल्डन फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा क्योंकि रबड़ जैसा बन जाएगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जो भी हो, मैं निकाल ली हूँ पनीर को और अभी बस खड़ा गरम मसाला देना है उसके उसके अंदर। मैं डाली हूँ लौंग, इलायची और दालचीनी, बस ये तीनों, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। बस ये तीनों को डाल के अभी जितना भी प्याज अदरक लहसुन जितना भी है उस सबको मैं चॉप करके रखी हूँ, उसको मैं धीरे धीरे करके डाल दूँगी जितना भी है सबको, बस आलू और कैप्सिकम छोड़ के। तो अभी तेल में तो पहले ही मैं हल्दी और नमक डाल दी थी थोड़ा थोड़ा करके, उसी में जितना भी नमक है उसी से ये सब पूरा पक जाएगा। देखिए हो गया है, मेरा मसाला रेडी हो गया है। अभी इसको मैं मिक्सी जार में निकाल लूँगी, पूरा निकालने के बाद इसी तेल में मैं जितना भी आलू और शिमला मिर्च था उसको मैं फ्राई करने के लिए रखूँगी और इसको ना धीमी आंच में फ्राई करूँगी, नहीं तो जल जा सकता है। तो धीमी आंच में ढक के पकाने से बहुत ही अच्छे से पक जाता है आलू। तो इस तरफ मेरा मसाला ठंडा करके पंखे के नीचे रख दी थी मैं, और ठंडा करके मैं उसको पीस ली थी। और अभी देखिए सब चीज़ फ्राई हो गया है, अभी आलू भी फ्राई हो गया है, हल्का सा गोल्डन फ्राई हो गया है। अभी देखिए अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया है, शिमला मिर्च भी पक गया है। अभी इसके अंदर मैं डालूँगी जो पीसा हुआ मसाला। मसाला तो पहले से पका हुआ है इसीलिए ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट ये सब्ज़ी बन जाता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। अभी मटर को मैं भी डाल दी हूँ, अभी बस मिक्स करना है।
और हल्दी पाउडर और स्वाद के हिसाब से नमक पाउडर। नमक अपने हिसाब से डालिएगा। और थोड़ा सा शुगर भी डालना है, क्योंकि शुगर जब तक नहीं डालोगे तब तक बैलेंस नहीं होता है सब्जी का टेस्ट। तो अभी देखिए इसके अंदर से तेल छूटने लगा है, क्योंकि सब मसाला तो पूरा पका हुआ है, फटाफट बन जाता है। देखिए मसाले से तेल छोड़ने लग गया है। अब बस मेरा हो गया सब्जी। अभी बस इसके अंदर मिक्सी का जितना भी पानी है ना उसको मैं डाल दूँगी। मिक्सी धो के थोड़ा सा पानी उसके अंदर मैं डाल दूँगी। क्या है कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी मसाला वेस्टेज करना मतलब अच्छा नहीं होता है। देखिए मसाला ज़्यादा जितना होगा उतना ही टेस्टी होता है खाने में। ये आप लोग पराठा या नान रोटी कुछ भी आप लोग इसके साथ ले सकते हो। आप लोग अगर रात के डिनर में भी लोगे ना तो बहुत अच्छा होता है खाने में। तो अभी इसके अंदर मैं पनीर को डाल दी हूँ। अभी बस देखिए उबाल आ गया है ना। अभी इसके अंदर पनीर को डाल के उबालना है। आलू तो पक गया है। अभी इसके अंदर गरम मसाला और जीरा और धनिया पाउडर एक साथ मैं ड्राई रोस्ट करके मैं रख देती हूँ हमेशा। इसी को ऊपर से डाल के बस हो गया मेरा सब्जी रेडी। अभी इसके ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी होता है तो आप लोग के पास तो डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया था इसलिए मैं डाल नहीं पाई। और थोड़ा सा मैं अभी इसके अंदर डालूँगी बटर। बटर डालने से थोड़ा सा और भी टेस्टी होता है, बटर का फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। तो फाइनली मेरा सब्जी पक गया है। अभी मैं इसको निकालूंगी एक बाउल में। तो कैसा लगा मेरा ये फटाफट बनने वाला मटर पनीर का सब्जी? तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोग के दोस्त लोग के साथ और फैमिली वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो रेसिपी का जो तरीका है मुझे तो बहुत फेवरेट लगता है ये रेसिपी का रेसिपी। और आप मेरे फैमिली को भी बहुत पसंद है, और आप लोग भी अगर घर पे ट्राई करोगे तब मुझे उसको जो रिव्यू है मुझे थोड़ा सा बताइएगा कैसा लगा आप लोग को भी। तो ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।